के बाहर शांति धारीवाल मीडिया से मुखातिब हो रहे। जो फायदा जनता को मिलने वाला है वो उनको पसंद नहीं रहा। मोटे तौर पर वैसे भी देखा जाए तो जो मुख्यमंत्री जी की पॉलिसी थी और उस पॉलिसी के तहत में करोड़ों लोगों को जो राहत मिल रही है, महंगाई से राहत मिल रही है, हर तरह से राहत मिल रही है, उसके बराबर में कोई ऐसा मुद्दा इनके पास नहीं है तो क्या करते हैं? तो षड्यंत्र रचा, षड्यंत्र रच करके एक लाल डायरी का किस्सा बनाया गया और एक हमारा ही विद्रोही आदमी जो था उसको पकड़ करके जो है उसको आगे करके और उसको उससे जो है सारी बातें मिली भगत करके विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने मिली भगत करके ये सारा षड्यंत्र किया है। तो षड्यंत्र का पर्दाफाश तो हो चुका, क्योंकि जो उठाने वाला आदमी था जो ये दावा करता था कि साहब लाल डायरी में मैंने लाल डायरी चुराई, वो कभी तो कहता है कि साहब सीएम ने मुझसे कह दिया था कि लाल डायरी को जला दो, कभी कहता है कि साहब कुछ पन्ने फाड़ लिए। अरे पन्ने फाड़ लिए तो कम से कम पन्ने वो बताता है सदन की बात, तो सदन में तो जो है वो बाकायदा वीडियोग्राफी होती है, सारी की सारी वो जो है रिकॉर्डिंग होती है, वो सबसे पता लग सकता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उसका जो विरोध, जो परस्पर आपस में विरोध का जो बयान, विरोधी जो बयान है, उन बयानों से स्पष्ट लगता है कि सारा षड्यंत्र रचा हुआ केस है। अगर उनको आरोप लगाना था तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते, जनता में दिखा देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो नहीं, वो ये कहते हैं कि हम डायरी वहाँ टेबल पर वो टेबल करना चाहते थे, तो टेबल करने के लिए किससे मना किया था? वो तो वो स्पीकर के ऊपर डायस पर पहुंच करके स्पीकर को दिखा रहे थे डायरी, बस किससे मना किया था? और आप आज भी भेज देते वो डायरी। तो अगर मान लो असल में डायरी थी तो आज तो खैर उनको निकाल रखा था, तो कम भारतीय जनता पार्टी का ही कोई आदमी रख देता, टेबल कर देता, उसको टेबल तो करते, पता लगता लोगों को कि साहब डायरी, लाल डायरी नाम की कोई चीज है क्या, लिखा है तो क्या लिखा है उसमें। ये सब बातें वो है कि जनता में जिस प्रकार का वातावरण बन चुका है कांग्रेस के पक्ष में और गहलोत साहब के पक्ष में, उसका मुकाबला किस प्रकार से किया जाए, तो कोई ना कोई षड्यंत्र रच करके इस प्रकार की झूठी बातें जनता में फैलाने की सारी कार्रवाई वो है, फर्जी कार्रवाई है। भाई साहब, एक अंत में आप जा रहे हो वापस, जनता के बीच फिर से जाओगे आप चुनाव में, कितनी उम्मीद है वापस आने की आपसे? मैं आपसे फिर दावे से कहता हूँ कि सरकार कांग्रेस की बनेगी। लोग खुद कहते हैं, मैं पदयात्रा पे हूँ, करीब एक साल हो गया मुझे पदयात्रा करते, एक एक घर पे जा रहा हूँ, और कम से कम भी आप ये देखिए, न करते हुए भी मैंने जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में जो 56 वार्ड है, 56 वार्ड में से 50 वार्ड मैंने कवर कर लिए, एक आदमी मुद्दा नजर नहीं आया, एक मतदाता नजर नहीं आया जो ये कहे कि साहब अब कैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार वापस बनेगी, कांग्रेस की सरकार बनेगी। हर आदमी ये कहता है कि तुम तो सरकार बनाओगे, इस तरह की बातें सुनने को मिलती है आम आदमी से। साल ये आगे हुआ कि आप खुद आएंगे, एक आप खुद आएंगे या आपके बेटे सदन में आएंगे, इस बार ये हाईकमान तय करेगा भाई। किसानों का जो किसको मिलता, हम दोनों में से किसी को नहीं मिले, किसी और को मिल जाए। किसानों को लेकर एक बिल लेकर के आए हैं, किसानों को आयोग के बारे में किसानों के हित का बिल है, हमें क्या कहना है? उनके पास नहीं था, खुद कह रहेगा यार हमसे क्या कहलवा रहे हो आप? बीजेपी वाले कह रहे लागू नहीं हो पाएगा, 3 महीने तो बचे हैं। वो छोड़ो आप, वो तो सब बातें बहाने की है। बिल बन चुका, बिल पास हो चुका, अब क्या राज्यपाल जी के पास जाएगा, जाकर के पास होगा। तो ये पूरा जो है ये डायरी के कुछ पन्ने लहराते हैं, आज फिर दिखाइए। आप बार बार डायरी की बात कर रहे हो, जो डायरी है ही नहीं, जिसका अस्तित्व नहीं है, आप उसकी बात पूछ रहे हो। पन्ने दिखा रहे थे, पन्ने दिखाए, ये लाल डायरी के पन्ने हमेशा से उन्होंने आज के चुनाव के अंदर लेन देन की जिक्र किया है। डायरी नहीं दिखाते, फोटो कॉपी। चुनाव जो हुए थे राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के, उसके अंदर भी क्रिकेट एसोसिएशन से क्या ताल्लुक है? उसके अंदर पैसों के लेन देन का। अरे वो तो सब बेकार की बातें हैं, वो तो कुछ भी आप कर दीजिए ना, क्या फर्क पड़ता है? कांग्रेस से निकालने का एक प्रोसीजर होता है, वो प्रोसीजर हाँ वो चल रहा है। नोटिस जारी, आप प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी से पूछ लीजिए, प्रोसीजर चल रहा है। अभी समझाइश के जरिए कोई वापस आने का रास्ता लेकर रास्ता है? अभी भी समझाइश हो रही है वहाँ पे? काय का कोई समझाइश नहीं,
कोई समझाइश नहीं हमारी न, तो आज आज हमें ये ऑफर था कि साहब हमें माफी देकर के मदन दिलावर जी को तो कम से कम अंदर आने दो, सदन में आने दो, वो भी हमने रिजेक्ट कर दिया, कहना हमने किसी हालत में नहीं आने देंगे। माफी मांगनी पड़ती माफी खुद ने तो नहीं मांगी, लेकिन कहलवाया किसी के, किसी से कहलवाया। आपके प्रस्ताव भी दोनों बाहर हुए हैं? हाँ, दोनों पास हुए। भाई साहब एक सवाल ये है कि लगातार बूढ़ा जी आरोप लगा, यार आप उसी उसी की बात क्यों कर रहे हो? मैं कह चुका हूँ षड्यंत्र है, षड्यंत्र है साफ साफ, और आप भी जानते हो कि षड्यंत्र है, लेकिन फिर आप उसकी बात कर रहे हो बार बार। सर्वे सर्वे आया एक भावुक लम्हा होता है, फोटो सेशन होता है, गले मिलते हैं लोग, कटुता खत्म होती है, वही तो बात है ना। ये लोग आप देखिए इन सारी परंपराओं को, सारी परंपराओं का सत्यानाश करते हुए, तोड़ते हुए उनको जो है आज इस तरीके का व्यवहार भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वरना कभी नहीं होता यहाँ पर। बाकायदा सारा से सारा जो आपका जितना भी वो है बिजनेस है वो खत्म करने के बाद में बाकायदा स्पीकर को भी थैंक्स दी जाती है, और आपस में खूब अच्छी तरह से व्यवहार होता है, सब कुछ होता है, लेकिन आप देखिए किस तरीके से खत्म किया है, हल्ले हल्ले में कागज फेंक करके अनुशासनहीनता दिखाते हुए इस तरीके की आवाजें निकाली इन्होंने, बहुत बीजेपी वालों ने शोर किया, रोने जैसी आवाजें निकाली है सदन में, रोने अजीब अजीब आवाज, रोने की कभी जैसे कुत्ता बिल्ली की आवाज निकाल रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, इस तरीके का सदन को देखो क्या क्या तमाशा बनाया आज, आज के आखिरी दिन। अरे भाई सब विदा हो रहे हैं, सब विदा हो रहे हैं, कम से कम ये तो देखो कि आज आखिरी दिन है, आखिरी दिन तो जाते 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 तो जो अच्छा व्यवहार करना चाहिए था, स्पीकर साहब को धन्यवाद देना चाहिए था कि उन्होंने नियमों को, जितने भी जो नियम बनाए हुए हैं उन नियमों को किस किस बेहतरीन तरीके से लागू किया है, और किस किस प्रकार का जो है क्या हमें नया वातावरण बनाया है, क्या 20-20 आज 20 सवाल थे, 20 के 20 सवाल आ गए, इस तरीके का प्रबंध किया है उन्होंने, उन्होंने कभी अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया, चाहे वो कांग्रेस की तरफ से हो और चाहे बीजेपी की तरफ से हो, कभी बर्दाश्त नहीं किया। आप पे बहुत राजनीतिक दमखम नजर आता है, अमित जी को महासचिव है पीसीसी में, तो आपके साथ कंधे से